श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यसे जो दायक फल चार आसन लीजे आए कल पवन पुत्र हनुमान बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमंत लाल की। हाँ श्रोता प्रेमियों, प्रातः स्मरणीय श्री कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाश मान सूर्य पूज्यपाद कलिपावना कलिवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्णचंद महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आज तो उस अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से हमारे कैसेट को सुनने वाले श्रोता प्रेमियों, ये भगवान श्री राम विवाह की पावन गाथा हम राठौर कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो आज की पावन गाथा ये हम आपको कुछ सुनावें, उससे पहले लीजिए थोड़ा सा प्रभु राम के नाम का उच्चारण हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ जनक दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो बोलो श्री राम Thank you.
हाँ तो बंधुओं, भगवान जो है वो धनुष यज्ञ की तरफ आ चुके हैं। इससे आगे की कथा आप लोग अहिल्या उद्धार नामक कैसेट में सुन चुके हैं, उससे आगे का विवरण आप श्री राम विवाह की कथा में लीजिए। सदानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिले, महतिसा देखने चले गुरु के पास, रंगभूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण नैन लगे हैं लगे इन्हीं की ओर, जिस समय सदानंद जी आकर के संदेश देते हैं कि आप लोग चलिए, महाराज जनक जी आप लोगों को स्वयंवर देखने के लिए बुला रहे हैं। समाचार को सुनकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भ्रात लखन के साथ में रंगभूमि के अंदर जिस समय आते हैं, तो श्रोता प्रेमियों आप देखिए उस वक्त भगवान के अंदर नौ रस व्याप्त हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिस व्यक्ति की जैसी भावना है वो प्रभु को उसी रूप में देख रहा है पा रहा है। पहुंचे मंडप में जभी कोसल राज किशोर, पहुंचे मंडप में जभी कोसल राज किशोर, जाओ भरी चितवनों से देखा चारों ओर, उस वक्त भगवान के अंदर नौ रस व्याप्त हैं। जो जिस भावना में प्रभु को देख रहा है प्रभु उसको उसी भावना में दिखाई पड़ रहे हैं। और उधर देखिए हाथ में जयमाला लेकर के और जानकी जी का आगमन होता है सभा के मध्य। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कविता करे बखान, यहां पर कुछ लोग तर्क करते हैं। कैसा तर्क? बाबा गोस्वामी जी अपने मानस के अंदर लिख रहे हैं कि जिस समय जानकी जी ने रंगभूमि में आगमन किया तो रंगभूमि जब सिय पगुधारी रूप देखी मोहे
नर नारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी रूप देखी मोहे नर नारी। उधर देखिए उत्तर कांड में क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास, मोहन नारी नारी के रूपा मोहन नारी नारी के रूपा मोहन नारी नारी के रूपा बनगारी ना चरित अरूपा संसार में सब कुछ हो सकता है लेकिन एक नारी पर दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती। जब एक नारी पर दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती तो यहां पर फिर जानकी जी को देख करके वहां की नारियां मोहित कैसे हो गईं? देखो बंधुओं, यहां पर जो है मोहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है कामुक मोहना और एक होता है भावुक मोहना। बाबा तुलसीदास जी ने जिस मोहने की बात नारी के लिए लिखी है वो कामुक भाव के लिए लिखी है, ना कि भावुक भाव के लिए। कामुक भाव को लेकर के एक नारी कभी दूसरी नारी पर मोहित नहीं होती, परंतु जहां भावुक वाली भावना है वहां मोहित हुआ जा सकता है। और इसके अलावा एक बात और भी हो सकती है। यहां पर कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि रंग भूमि यानी रंगभूमि के अंदर जब जिस समय सिये सीता कामा पगुधारी, सिये माने सीता और पगुधारी का मतलब भगवान राम। फिर आप शंका करेंगे कि भाई प्रभु राम पगुधारी कब से बने या प्रभु राम का नाम पगुधारी कब से हो गया? तो जब से नारी अहिल्या तारी, जब से नारी अहिल्या तारी और तब हुसे राम बने पगुधारी। जब से राम बने पगुधारी, जब से चरण अहिल्या तारी, यानी भगवान राम और जानकी का जिस समय आगमन होता है तो भगवान राम को देख करके वहां की नारियां मोहित हुई और जानकी जी को देखकर वहां के पुरुष मोहित हुए। प्रसंग आगे लीजिए, जानकी जी जो हैं वो आज हाथ में जयमाला लिए हुए खड़ी हुई हैं। दूत उठ करके खड़ा होता है कि ऐ दूर दूर के आए हुए राजाओं महाराजाओं राजकुमारों, अरे एक बार इस जानकी की तरफ देखो और दूसरी बार इस सामने रखे हुए धनुष को देखो। जो भी वीर योद्धा इस समय अपने छत्रित्व को दिखाएगा, अपनी वीरता को दिखाएगा, यानी इस धनुष के कई टुकड़े कर डालेगा, वही जानकी से अपना नाता जोड़ने में सफल होगा। सहजीस सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। अरे मेरे पीरो, इस समय नाम तो क्या है, उस पर ही शर्त लगा नपुर बैठे हैं आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रणठाना इसी प्रतीक्षा में। तो राजा की सब सौगंध शपथ
धनुष यह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। अरे उधर देखिए, मध्य में जानकी महारानी खड़ी हुई है और उसके बगल में ही धनुष रखा है। इसलिए वीरो है समय यही क्षत्रिय वीरो मुझे चात्र सत्य दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। कर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। अरे मेरे क्षत्रिय वीरों, इस समय क्षत्र तो दिखाने का समय आ गया है, बल पौरुष का विशाल डंका बजने का क्रम में समय आ गया है। अरे हम देखते हैं ऐसा कौन वीर है जो महाराज जनक का जामाता बनेगा। सिंहों के सन्मुख जय पावे, ये सियारों की ताकत कब है? आओ हिल मिल करके आप लोग जान लड़ा दो और दिखा दो कि आप लोगों में कितनी शक्ति है। बंदी जन की ये घोषणा को सुनकर मित्रों धनुष को उठाने के लिए अरे बड़े बड़े बलवान आगे तैयार हो जाते हैं। योद्धाओं राजाओं के बल जब धनुष उठाने उठते हैं, योद्धाओं राजाओं के बल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते बलवान सुजान कुमान भरे मधुमत्त महान शान वाले बढ़ो बढ़कर जोर लगाते थे गर्मी में आने बानवाले चलती है आप सचल चौदह भुवनों को चकुराते हल चलती दसों दिशाओं में जल थल का पायो धाओं से
उठाने का प्रयास करते हैं, मगर उठाना तो दूर रहा बंधु, हो धनुष को हिला भी नहीं पाते। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। राज महाराज जनक को बड़ा दुख होता है सज्जनों। कैसा दुख कि मालूम पड़ता है कि अब दुनिया में इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। जाओ जाओ राजाओ महाराजाओ, हमें मालूम पड़ गया इस संसार में अब कोई क्षत्रिय नहीं रह गया है, सब कायर उत्पन्न हो गए हैं। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। नहीं होती हम करते नहीं प्रतिज्ञा, ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने हानि है और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। स्थान करो सुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। पाल गण सभी हुए मैथिली कुमारी को निहार, नर नारी सारे दुखी हुए। इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, अरे सभी कायर हो गए हैं, सभी तो बैठे सुनते रहे। मालूम पड़ता है अब हमारी बेटी के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है। जाओ जाओ राजाओ महाराजाओ, अब हमें ये मालूम पड़ गया इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, सभी कायर हो गए हैं। अरे मित्रों सभी तो सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लखन लाल पर उस समय और पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव।
मारे क्रोध के तमक करके लक्ष्मण जी खड़े होते हैं भाइयों और कहने लगे, क्या कहा जनक, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे जिस सभा के मध्य में एक भी रघुवंशी विराजमान है उस सभा के मध्य में आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे आप एक धनुष की बात करते हैं। भैया राम की ओर देखा और कहने लगे, क्या हे भाई राम, अगर आप एक बार मुझको आज्ञा दे दें जो तुम्हार अनुशासन पावो। जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ। शीश नवा गुरुजनों को और बोले लखन कुमार, सुने सभापति सभासद सूर वीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अब मान नहीं सह सकते हैं। छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। इसको सुनने की ताव नहीं हुआ चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ हे भैया, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनुआ की है क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घरे समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ तार डालूं। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अभी। आज जब गुरु का आदेश और प्रभु राम का इशारा पाते हैं तो लक्ष्मण जी शांत बैठ जाते हैं। इधर गुरु का आदेश पाकर के प्रभु जी जो हैं भैया वो आज कहां पहुंचते हैं, धनुष के पास। और उधर देखिए जानकी जी की मां सखियों से कहती है, अरे सखियों जाओ, अरे कोई महाराज से जाकर इतना तो कहो, क्या वृद्धावस्था में उनकी मति मारी गई है जो इतनी हंसी होने के बाद भी और हंसी कराना चाहते हैं। हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बालक है हठयोग्य कहाँ,
जो धनुष उठाने जाता है, जब धनुष उठाने में तो समय नष्ट क्यों करते हैं, तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों का खेल खिलाने। बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, थोड़ा तो मथे रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं। समाप्त करवा डाले वर्ण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भावर डाले। अरे सखियो जाओ महाराज को कोई समझाओ कि जब बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाए हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को क्या तोड़ेंगे। अरे वैसे भी इतनी हंसी हो चुकी है, अब महाराज से कोई जाकर कहो कि और हंसी कराना क्यों चाहते हैं। बरज क्यों न दे उरे उमर लारी कैया, बरज क्यों न दे जी क्यों न दे उरे उमर लारी कैया, बरज क्यों न योद्धा होते तब तो तुरते देखो धनुष कमनिया, ओ योद्धा होते तब तो तुरते देखो धनुष कमनिया, आयस मति न ले उरे उमर लारी कैया, बरज क्यों न उमर लारी कैया, उमर लारी कैया।
सेवा होते तब तो खेते देखो नाव नवैया सेवा होते तब तो खेते देखो नाव नवैया हटक क्यों न दे उरे हटक क्यों न दे उरे तुम्हारी लारी कैया चतुरा होते तो दिखलौते देखो तो चतुरैया चतुरा होते तब दिखलौते देखो तो चतुरैया मति न ले उरे तुम्हारी लारी कैया कि वैसे भी बहुत सारी हंसी हो चुकी है अब और हंसी क्यों करना चाहते हैं। लेकिन एक बूढ़ी सखी कहने लगी हे महारानी जी आपकी भूल है। अरे जिनको आप बच्चे समझ रही हो इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है इन्होंने तारिका का वध किया है ये बड़ा ही पराक्रमी है और ये मुझे परम विश्वास है कि अगर धनुष टूटेगा तो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के हाथ से ही टूटेगा। और उधर देखिए जानकी जी आज ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं हे गणपति हे देवी देवताओं अगर आज मेरी ये धारणा पूरी नहीं हुई ये राजकुमार धनुष नहीं तोड़ पाए तो जो जयमाल मेरे हाथ में है ये मेरे गली गले के अंदर फांसी का फंदा बन जाएगी। अरे जयमाल या उनके गले हार बन अरे जयमाल या उनके गले हार बन और या जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी।
देवताओं, हे गणपति महाराज, हे महादेव, हे उमा अंबिका, हे शंभु प्रिया, हे जग के वरदाता, आज मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन ही मेरी सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न हर ये धनवा की करता को। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्हीं से है माता। जयमाला की अब आज तुम्हीं ही लज्जा को जयमाला की वरमाला की। आज पुकार आप सुने, ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तल के समान तोड़े रघुबर सब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। निस्तार करेगा अब तू ही सीता की लाज, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। मन ही मन में भगवान शिव की प्रार्थना कर रही हैं, हे कैलाश निवासी, हे भोले बाबा, आज पुत्री की लाज आपके हाथों में है, क्योंकि ये धनुष आप ही का है। शिव शंकर कैलाशी हो मोरी लीजो खबरिया, कैलासी हो मुरली जो खबरिया। ली जो खबरिया, ली जो खबरिया, वो कैलाश के वासी हो मुरली जो खबरिया। आई
श्रद्धा किए हूँ पुष्प मुलाई वो घट घट के वासी हो मोरिली जो खबरिया रघुनाथ राम शरण की लाज रखो प्रभु 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 ओ कैलाश के वासी हो मुन्नी जो खबरिया और उधर प्रभु राम धनुष के पास पहुंच जाते हैं। जिस समय प्रभु राम ने धनुष को उठाया तो सबने देखा, लेकिन किस वक्त प्रभु ने धनुष को उठाया और किस वक्त प्रभु ने उस धनुष के दो टुकड़े कर डाले ये कोई नहीं जान पाया। बड़ा जोरों की एक आवाज आई और सबने क्या देखा कि जमीन के ऊपर धनुष के कई टुकड़े पड़े हुए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आसमान से देवलोक पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और आज जानकी के हृदय में बंधुओं कितनी प्रसन्नता है ये तो आप मत पूछें। सीता जी बड़े उतावले मन से अरे हाथ में जयमाला लेकर प्रभु राम की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि ये नियम था कि जो भी धनुष को तोड़ेगा जानकी उसी के गले में माला डालेगी। माला तो पड़ गई बंधुओं, लेकिन इतने में दृश्य कुछ बदल गया। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, बड़े बड़े जो राजा महाराजा आए हुए थे, जब उन्होंने देखा कि जानकी ने इन छोटे से बच्चों के गले में जयमाल डाल दी तो मारे क्रोध में आ गए। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुख मारो पर मत दया करो सुख मारो पर अब तलक धनुष पर निर्णय था अब निर्णय है तलवारों खेलो अपने ही प्राणों पर कर दो लोहू से लाल भूमि कर दो लोहू से लाल भूमि ले चलो सिया को प्राणों पर इनको समाप्त कर डालो और बांध करके इनको डाल दो और जानकी को अपने प्राणों पर खेल करके ले चलो। महाराज जनक कहने लगे बस राजाओ शांत हो जाओ, बिना मतलब के गाल किस लिए बजा रहे हो? अरे तुम्हारी तलवार तीर वाली गर्मी जो है ना वो सब ठंडी हो गई धनुआ के टूटते ही।
अब अपनी नाके नीची करके अपने अपने घरों को जाओ, बेकार किससे की मत मारो। अरे अब अगर ले ला सकते हो पेशानी को तो जाओ, अगर शर्म और शान रखते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस प्रकार बढ़ने लगी अरे राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता माता तो इधर परमानंद के साथ महलों में जाती हैं, और इतने में जिस समय ये खबर मिली है महाराज परशुराम को कि धनुष जो है वो टूट गया है, तो मारे क्रोध में महाराज जनक की सभा के मध्य में आए। बंधुओं, उनको देखकर जितने भी राजा थे, जो डरपोक थे वो तो भाग खड़े हुए, जो शांत थे वो चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। महाराज जनक उठकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें उचित स्थान देते हैं। परशुराम जी कहने लगे, महाराज जनक बड़ा भीड़ भाड़ लग रही है आपके यहाँ, क्या बात है? कहा, महाराज हमारी कन्या का स्वयंवर था, हमने ये प्रण किया था कि जो भी वीर योद्धा धनुष को तोड़ेगा वही हमारी जानकी से नाता जोड़ेगा। धनुष टूट गया, जानकी का संबंध जुड़ गया। जैसे ये कानों में शब्द पहुंचे हैं परशुराम के कि धनुष टूट गया, अरे उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके प्राणों को खींच लिया हो। मारे क्रोध के कहा, क्या कहा जनक? धनुष टूट गया यानी शिव का अपमान हुआ। मैंने जो धरोहर के रूप में भगवान शिव का धनुष तुम्हारे यहां रखा था वो टूट गया। अरे कौन ऐसा धूर्त है, कौन ऐसा दुस्साहसी है जिसने भगवान शिव के विशाल धनुष को तोड़ने का प्रयास किया है? धनुष दीनो तुम तोड़ाई हे राजन, धनुष दीनो तुम तुड़ाई हे राज, धनुष दीनो तुम तुड़ाई हे राज, धनुष दीनो तुम तुड़ाई हे राज, दीनो तुम तुड़ाई तुम तोड़ाई हे राजन।